दाल रहा नहीं वो बोलना था तो बोल देना ना डन क्या तो मॉडल विजुअल पे क्या तू सेंड टू वेरी फॉर द विजुअल फर्स्ट साले में सब साथ बहुत विजुअल Yeah, done. Thank you.
missing out of this 15-day course. और ये 15 days में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो I would like to give them the honor of getting the certificate from you. So हाँ जी, मैंने अभी हम चीज़ नहीं करा हमने लाइफ में कि मैं सर्टिफिकेट दे रही हूँ. और हमने मान लिया जैसे. मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर मैं इतनी एंगेज थी ना, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगा कि मुझसे बात कर रहे, मुझे ऐसा जेन्युइनली लगा कि वो डायलॉग्स नहीं है, वो मतलब वो एक्ट नहीं है, वो अपना कुछ बता रहे हैं. तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस फोटो का फोटो पीछे ले. और मैं बहुत एंगेज थी जब तुम करे उर्विशा. ¿Qué se puede?
जी मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी।
अडॉप्शन पेपर भेज दूंगी मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि आई वांट यू मॉम मेरा हां ये वाला बड़ा वाला ये आपका चलो ये रिवर हाउ डिड यू फील कमिंग हियर दिस वाज योर सेकंड टाइम योर थर्ड टाइम It's beautiful. See, it's not about how well you do on every day, no? You're not going to win the World Cup every day. But the fact that you're saying it's a step forward. The fact that you're saying believability, be it the first day for some, be it the 100th day for some. You are engaging me for the first time, no? And you engage me. That's checklist. It's done. मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे बोलने के लिए जब सोच रहे कितनी बार कराया मैंने मुझे ओके मुख्य मैम फर्स्ट ऑफ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस और सबसे पहले कनेक्टिविटी जो बनी है जो स्टूडेंट्स की बहुत ही सबसे पहले मुझे जानना कैसा फील हो रहा है एज अ प्राउड पेरेंट्स जो आपके जो बच्चे एक्सट्रीमली प्राउड और मुझे ये लग रहा है कि ये अभी अभी शुरू हुआ था इट्स बीन अभी 8 महीने हुए हैं टू इवन ओपन एन आइडिया ऑफ कि एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे क्योंकि सब फ़ोन पे लगे रहते हैं मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये क्या है ये एंड हाउ मच कैन यू बीच में ऐड आ रहे हैं एंड देन यू गेटिंग यूज टू दैट नहीं कहा आई डोंट वॉन्ट टू गेट यूज टू दैट मेरे को कहानी सुननी है और मुझे एक जगह बनानी है जहाँ पे सच्ची कहानियाँ बता सकते हैं आप दिल की बात कर सकते हो आपको रोना है आप रो सकते हो इट्स एन आउटलेट तो मेरे पापा ने सोचा कि इसका एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मुक्ति मंच और जैसे स्टेज पे आप पे लाइट होती है और हर जगह अंधेरा होता है ना तो उनको लगता है कि वो लाइट आपके अंदर है एंड ईच वन ऑफ अस हैव दैट दिव्य शक्ति टू स्पीक द ट्रूथ सो इफ ओनली यू हैव टू जस्ट लेट दैट लाइट यू नो बी एंड अलाउ अदर्स टू कम इन सो थ्रू दिस एंड दैट्स व्हाई लाइक दिस माय पापा की हैंड राइटिंग आई फील वेरी प्राउड दैट एक करके एक पता नहीं कैसे हो गया कि आज 5th batch है और 5 batches ऐसे निकल चुके हैं एंड हर बार बच्चों को हम इनक्रेज करते हैं कि अपनी खुद की स्टोरी लिखो पिक अ पीस एंड पिक समथिंग विच इज़ क्लोजर टू यू क्योंकि हर एक के अंदर एक कहानी होती है और लास्ट बैच में आई रिमेम्बर हमने कलरी पेटू की एक ऐसी क्लासेस रखी थी बट सानिया रोड टू मी एंड शी लाइक मुझे ये करना है एंड दिस इज़ मुझे हमेशा लगता है कि इंडियन मार्शल आर्ट्स और द फॉर्म्स विच वर देयर बिफोर व्हेन द ब्रिटिश इन्वेडेड विच आर स्टिल प्रिवेलेंट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर स्टिल देयर और दैट ओपन्स योर बॉडी दैट मेक्स यू मोर एजाइल मुझे जो टीचर सिखा रहे थे वो भी 56 ईयर्स ओल्ड थे एंड ही कुड डू अ स्प्लिट जंप उनकी टोन वोन थी एवरीथिंग ही डिडंट हैव हेयर बट आई वाज लाइक ये इतनी एजिलिटी और इतनी एनर्जी है बॉडी में कैसे सो देन कलरी पेटू करके तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला कि शी केम इन एंड आई फेल्ट लाइक योर स्टोरी सो इंस्पिरेशनल सानिया एवरी वन हु लाइक हु वॉज एक्साइटेड टू सी यू एंड एवरी वन वॉज लाइक वी नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज सानिया मैम देखने आएंगी और दिस इज रियली लाइक यू यू टॉक आई हैव बीन टॉकिंग यू नो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी I am inspired to work on myself because as I said कि मैंने कभी चीज़ें सीखी नहीं मैं डांस करती थी मैं प्रोफेशनली डांस करती थी मैं स्टेज पे जाना मुझे बहुत पसंद है तो मुझे ऑडियंस मिलती है तो मेरे अंदर से ऐसा कुछ होता है कि मैं डांस करूँ और अच्छा हूँ वो और ऐसे पर मैंने कभी एक्ट नहीं किया स्टेज पे मैंने कभी नाटक नहीं किया मैंने कभी एक मोनोलॉग नहीं किया पर मैंने आज ऑडियंस में बैठ के ये सब सीखा कि क्या एक्टिंग में वर्क करता है अगर मैं आगे जाके कभी स्टेज करूँगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और ऑल्सो विद मुक्ति एंड ऑल फोर ऑफ यू गाइज या मतलब अंकल ने जो जो चीज़ें बोली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इट वॉज़ अ रियली गुड सेशन फॉर मी मतलब
मैं यहाँ आई तो किसी और काम से थी, पर एज अ स्टूडेंट जा रही हूँ और कुछ सीख के जा रही हूँ। हाँ, आज का जो भी जो प्ले था, जो चंक्स थे, जो एक जो बहुत ही मेन अंतर है, जो सिनारियो है आज के जो वुमेंस है, जो जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, रेप्स हो गए, जो भी हो गए, वो सब बहुत ही ध्यान रखा गया है उसके ऊपर। क्या कहना है जो करेंट सिचुएशन जो चल रहे हैं? करंट सिचुएशन उन सबका प्लेस का एक ही वो था, एक टैली करो तो एक ही सब्जेक्ट माइंड में आता है, वो है विमेन एम्पावरमेंट। और मुझे पता नहीं अगर आपने अंकल का वो एक स्पीच आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, कि वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर एम्पावर्ड, ये हमारे अंदर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट अदर विमेन नो दैट कि ये तुम्हारे अंदर है, बस कहीं झांकने की ज़रूरत है और ये अपने अंदर से बाहर लाने की ज़रूरत है। और हमें भी नहीं, लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि हम इक्वल हैं, वी आर टुगेदर इन, मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई ज़्यादा कमज़ोर ऐसा नहीं है, ये गेम नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है विमेन एम्पावरमेंट। और ये बहुत ही अच्छा है कि जब ये यंग जनरेशन कुछ अपने आप से कुछ लिख के इस चीज़ को ऑडियंस के सामने प्ले करती है, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। क्योंकि ऐसी चीज़ें प्लेज में क्या होता है, गानों से क्या होता है, एक कॉन्वर्जेशन निकलती है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, और जितना अच्छा है बात करने का, मतलब उससे मुझे लगता है कि वो जितना आप बात करो उतनी आपको उसके बारे में नॉलेज पता चले। आप दोनों इंस्पिरेशन है जो भी यूथ है और जो आने वाले जो भी है। इट्स ट्रू मुक्ति, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सो ऐसे कौन सी चीज़ें आप दोनों से एक एक जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती है या पावर देती है, या नहीं मुझे आगे बढ़ना है, या कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो? सच बोलो, लाइक आई जस्ट फील हमारी मतलब बहुत सालों से ना आप बहुत सारी फैड्स को लेकर चलते हैं, एंड सोशल मीडिया समहाउ इज़ द राइट थिंग फॉर अस कि हम ये जो नॉलेज है ना, जितनी नॉलेज चाहिए उतनी लो, और उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब नॉलेज हमें पता है। थोड़ा टाइम लो और ख़ुद से सच जानो, और उसके बाद आप सबके पास कहानी है। तो आई रियली फील दैट एक जो सतयुग का एक दौर है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट एट दिस मोमेंट आई एम रियलाइजिंग कि अगर वन ऑन वन अगर किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड इफ़ यू कैन इंगेज, इफ़ यू कैन मेक समबडी रिलेट टू योर स्टोरी विच इज़ बियॉन्ड अ फिल्टर, बियॉन्ड सोशल मीडिया, बियॉन्ड अ हिट एंड 100 crore कितने कमाए आपने, आप सच्चाई बोल रहे हो, आप किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज समथिंग विच, अगर किसी कहानी में वेगनेस भी होती है ना, लेकिन थोड़ी सच्चाई थी, दैट मूव्स मी, एंड आई वुड वांट टू क्रिएट, मीडियम डज नॉट मैटर, अगर वो स्टेज है, स्क्रीन है, वेब है, कहीं पे भी, आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर एंड टेलिंग द ट्रूथ। एंड जैसे पापा ने बोला ना कि हम आर्टिस्ट 20 साल पहले हमें चलना पड़ता है, फॉर जैसे मंटू की कहानियाँ अब हमें जाके हम कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा। हाँ, एंड इट वॉज सो, और पार्टीशन के बीच में वो उधर रह गए, विच वॉज अगेन विदाउट विक्टिमाइजिंग हिज स्टोरी, इट वॉज सो एम्पावरिंग लाइक दैट ऑल्सो, ऑल दो द लाइक द ऑल द स्टोरीज हैड द सेम एनवलप ऑफ की एम्पावरमेंट है, बट एवरी थिंग वॉज अबाउट एम्पावरिंग योर ओन सेल्फ। तो इसलिए पापा ने बोला नेक्स्ट स्टोरी में ना आपको आप शक्ति हो तो आप आपके अंदर की एक जो रोशनी है उसको जलाते रहो, एंड आई एम थैंकफुल दैट यू गाइस सॉ इट, और आपने देखा है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सीधा अंधेरे में ना यूँ ऐसे आग छोड़ने वाला होता है कि कुछ करते हैं, एंड आई डिडंट हैव अ पैटर्न कि ऐसे होता है, वैसे होता है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जस्ट माई सेल्फ आई थॉट कि मैं वार्म अप करती हूँ तो इसमें मज़ा आता है, तो ऐसे बच्चों को कराते हैं, उससे कुछ कुछ करते हैं बस एक, बट उनको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा, सो दैट्स हाउ वी ओपन दिस, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट्स रेसिप्रोकेटिंग टुडे, आई फील थैंक यू अमेजिंग, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन आवर फोन, अभी हमारी जिंदगी ही फोन में बसी है, कोई घर से निकलना ही नहीं चाहता, बिकॉज वी ऑल थिंक कि हमें सब कुछ पता चल जाएगा फ़ोन से, यूट्यूब से या किसी उससे, बट कमिंग आउट एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स लाइक इट टीचेस यू अ लॉट। ओके साना, मैं आल्सो कांग्रेचुलेशन बधाई ऑन द नेशनल अवार्ड, सो हाउ डू यू फाइनल, आई फील अमेजिंग यार, इट्स आई डोंट नो, इट्स जस्ट इट्स एन अमेजिंग फीलिंग,
फिल्म यू गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर सच अ ब्रिलियंट फिल्म, मतलब पता था कि लोगों को अच्छे, पहले तो ये पता था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, फिर पता लगा कि ये करने में, हमें शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, फिर पता लगा ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है. अब ये मतलब अवार्ड जीतना काफ़ी बड़ी बात है. सुरेखा मैम को नेशनल अवार्ड मिला तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है. शूटिंग मतलब चल रहा है अभी शूट, कुछ दिन का शूट और बाकी. ओके फाइनली मैम, व्हाट यू लाइक टू गिव द बोथ, आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे, हु वांट टू बी समथिंग इन लाइफ और यू आर द बोथ परफेक्ट एग्जांपल. हु वांट टू बी समथिंग व्हाट, कुछ भी जो लाइफ में अगर बनना हो, यू आर द परफेक्ट एग्जांपल, अगर कुछ बनना हो आप बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन. सो वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है एंड परफेक्ट एग्जांपल भी नहीं होगा, आप खुद के परफेक्ट एग्जांपल हो एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. आई अग्री विद मुक्ति कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी, या कुछ ना कुछ खराबी भी नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को बाकी है. तो वो जो अर्ज है टू लर्न समथिंग न्यू, वो कभी मरनी नहीं चाहिए, कुछ नया सीखने का हमेशा से वो रखना चाहिए. जहाँ आपने सोच लिया कि मुझे सब आता है, वहाँ मतलब मुझे लगता है वहाँ आपका प्रॉब्लम, फुल स्टॉप. खूब बालो बाय.